चूता है मेरा। पानी पानी हाय हाय, हमें तो पहले पता था पीपीएम है कोविड। जेल के ताले खुलेंगे, हम मिलकर तुझे कूटेंगे। मेरा जूता केजरीवाल का भूत, चूते मारो चूते मारो। हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, हम है मोदी परिवार। ये है खुजलीवाल, धोखेबाज, ड्रामेबाज। केजरीवाल तू तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। केजरीवाल अपनी औलाद का नहीं हुआ, जो औलाद का नहीं हुआ तो किसका होगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग, मैं हूँ आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर हैं। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट हुआ है, जिसमें यूथ कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है और जो मेन राष्ट्रीय कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इल्जाम जो है वो केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। क्या अगर पोस्टर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों ने, बीजेपी ने जो है वो लिखा हुआ है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से पैसा लेने वाली देशद्रोही आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज विशाल प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। उनके कार्यालय का घेराव करने के लिए ये कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आतंकवादी का आरोप अब आप लोग केजरीवाल पर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे, दिल्ली की जनता, क्योंकि आतंकवादी है। आतंकवादियों से इसने 1.6 करोड़ अमेरिकन डॉलर लिए थे। क्यों लिए आतंकवादियों से? क्योंकि ये खुद आतंकवादी है। और पैसा लेके कहां लगाया? अपने शीश महल में। भाई जो दिल्ली का तुझे मुख्यमंत्री बनाया था किसने? इस जनता ने। और जनता इसको जवाब देने वाली है, क्योंकि इनके लोगों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने नारा बनाया है, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बात सुनना, वर्डिंग। अबे जेल के जो संविधान है बाबा साहब ने बनाया, आप तो बाबा साहब को भी बदनाम करो। जेल के ताले तोड़ता कौन है? गुंडे, चोर, वही तोड़ के भागते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं सजा काट के, जेल के ताले खुलते हैं जब वो बाहर जाते हैं। तो केजरीवाल जी सुन लो हमारा नारा भी, जेल के ताले खुलेंगे, हम मिलकर तुझे कूटेंगे। जेल के बाहर कूटने वाली है दिल्ली की जनता। और केजरीवाल तू तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। केजरीवाल की सरकार गई, झूठा है, मां झूठा है। इसने जितने घोटाले करे शायद किसी ने करे हो, लेकिन आरोप तो आप लगा रहे हैं ना, सबूत क्या? हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा। पहले तो आप मत कहो, आप है आम आदमी, हम है कमल के फूल वाले जिसमें मां लक्ष्मी बैठ। आप लेकिन आप तो रिस्पेक्ट का शब्द होता है ना, आप तो रिस्पेक्ट। हमें हमें ऐसी रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। हम है मोदी परिवार, वो बोलो, हम है मोदी परिवार और हमें कमल पे बैठने वाली मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी है मोदी परिवार, जहाँ कमल पे लक्ष्मी बैठे साथ साथ तो देश का तो भला होएगा। और ये कौन है? ये है आप, ये है झाड़ू वाले। दिल्ली ने समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू। दिल्ली ने समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला। लेकिन सबूत क्या है, किन किन तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं? इसका सबूत जूता है मेरा, मेरा जूता, यही सबूत है। मैं कहती हूँ मेरा जूता केजरीवाल का भूत, क्यों कह रही हूँ? जबकि हम दिल्ली के सीएम पद का सम्मान करते हैं, मगर इसने सम्मान सम्मान को नहीं दिया दर्जा। ईडी बैठ गई है, सबूत पर सबूत नहीं कर रहे हैं, तभी तो जेल जा रहा है। और कहते हैं ना, बीच बचरिया फट गया ढोल, केजरीवाल की सरकार की खुल गई पोल। एक और ये दोस्ती ये नहीं छोड़ेंगे, जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। नंबर जेल का जवाब वोट से देने की बात कर रहे हैं, जल्दी वोट देगी दिल्ली की जनता। 4 तारीख को जवाब ही मिलेगा, जनता जवाब देगी, वोट देने वाली है केजरीवाल। और तू तो जाएगा 100% जाएगा। और इस बार हमारा हमारा सबका मोदी प्रधानमंत्री, देश का जो देश को विश्वगुरु बनाया है, किसने? प्रधानमंत्री। 400 पार हमने देखो, 400 पार के नारे लगाया है, रोम रोम में, रोम रोम में बसने वाले हमारे मोदी परिवार, हमारे कमल का फूल है जो हमारे रोम रोम में बस चुका है। क्योंकि केजरीवाल से एक ही छोटी सी बात पूछूंगी, केजरीवाल जी अगर तुम मुख्यमंत्री का पद सराफत से संभालते, बेदाग छवि के रहते, तो आज आपको दिल्ली की जनता पूछती, मगर तुमने काम तो इसलिए मैं तो कहूंगी शराब के दलालों को, आतंकवादियों के दलालों को चूते मारो, चूते मारो, यही मेरा कहना है। लेकिन आप हमें आप कहने से रोक रहे हो और खुद केजरीवाल जी लगा रहे हो।
वो तो हमारे परिवार, हमारे जो आदरणीय मोदी जी है, उन्होंने कहा है कोई कुछ भी बोले तुम उनको इज्जत दो, हमें संस्कार दिए, इसलिए हम जी लगा रहे हैं। हमने आप नहीं कहा, हमने जी कहा, हमने आप, क्योंकि आप है वो आम आदमी केजरीवाल। उनका मुख्यालय देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां डेट एक्सपायर मिल रही है, क्या करा इसने मुझे बताओ। मैडम आप भी यहाँ पे हो, आप खुद बताओ केजरीवाल का एक अच्छा काम बता दो, एक अच्छा काम बता। जनता तो खुश है, चुनाव भी लगातार जीत रहे हैं, चाहे उपचुनाव हो वो भी जीत रहे हैं, जनता बिजली पानी से खुश है, उनके बिजली पानी, महिलाएं बसों में पानी, देखो ऐसा गिलास ला रहे हैं, ऐसा गिलास खरीद के ला रहे हैं, जब पानी 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 गंदा आ रहा है, ये तो मैं क्या बोलूं, ये है खुजलीवाल, धोखेबाज, ड्रामेबाज, और ये है गधा, गधे को भी लिख हम कह सकते हैं, गधा भी बहुत उठाता है, ये तो उससे भी गया गुजरा इंसान है। और केजरीवाल जी बाजा बाजा, नहीं तो तेरी ना अब की बार मैं बनूंगी नागिन, और केजरीवाल को डसूंगी, केजरीवाल मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, छेड़ ना मुझको मैं डस लूंगी, जनता का बदला तुझसे लूंगी। ये देखिए किस किस तरीके से अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं। 25 तारीख को केजरीवाल को जवाब मिलने वाला है, भारत के वोटे बढ़ने वाली है, और 4 तारीख को एक खिला हुआ कमल आपको दिखेगा। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं, और दिल्ली की 7 सीटें हमारे पास आ रही हैं, कोई ताकत नहीं है इसको रोकने के लिए, और इस बार बम्पर वोट बढ़ेगी। ये जो कह रहे हैं गर्मी 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 कुछ नहीं है, अब केजरीवाल जाने का यूं गया, ओ उड़ गया, समझ लो मैडम जी कि हम जेल में हैं, लेकिन जेल का जवाब एक बात सुनिए मैडम जी, जो केजरीवाल अपनी औलाद का नहीं हुआ, जो औलाद का नहीं हुआ तो किसका होगा, तो ये देश की क्या सेवा करेगा, क्योंकि इसने जब ये मुख्यमंत्री बना था रामलीला मैदान से इसने कसम खाई थी कि न मैं किसी से समर्थन लूंगा, न किसी को समर्थन दूंगा, अपनी औलाद की कसम खाई थी, वसीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, इसने कांग्रेस से ही समर्थन लिया, वसीला दीक्षित को कौन सा जेल में डाला, जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, तो कह रहे हैं हम इकट्ठा हुए हैं देश का विकास करने के लिए, क्या विकास करा है उसने, देश में बेरोजगारी महंगाई इतनी बढ़ गई, अरे उसने क्या किया है, पानी पानी दिया है उसने, जहर दिया है, अगर मैं आपको पानी दिखा दूं कभी कभार तो ऐसा आता है कि उससे मुंह धोना भी दुर्लभ होता है। ये केजरीवाल क्या अपना दिल्ली को पानी नहीं दे सके तो ये देश को क्या देगा, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर का सपना देखता है, ऐसे लोगों को उन्हें जेल में है, जेल में ही रहने चाहिए और जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से और सीबीआई से दिल्ली को बचाने के लिए हम काली नाम मैं सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि केजरीवाल को, उनके पार्टी को, सबको जेल में डालो, वो ऐसे लोगों को जो कि देश के दुश्मनों से, उग्रवादियों से ये पैसा लेता है और देश को बर्बाद करने के लिए ये तुला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम देश में स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि हम उसी को स्वीकार करेंगे जो हमारे देश की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की हर देखो मैं सिर्फ एक इतनी सी बात बताना चाहता हूँ जनता को, जो केजरीवाल हमारे तिरंगे के नीचे खड़ा होकर के एक साधारण देश की सेवा करने के लिए वादा किया था, ये किसी भी तरीके से जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जो कहते थे मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और आज कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और आतंकवादियों से पैसा लेकर के इतना घिनौना काम केजरीवाल जी ने किया है। मैं सभी माताओं को, बहनों को और हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि भारी संख्या में 7 लोकसभा प्रत्याशियों को जितवाए और इनको मुंह तोड़ जवाब दे। धन्यवाद। देश के विकास के लिए एकजुट हुए हैं वो, जो बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको कम करने के लिए एकजुट हुए हैं। 50 साल इस देश की जनता ने सत्ता दी, जब महंगाई नहीं दिखी 50 साल, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आज मैनिफेस्टो में महंगाई, बेरोजगारी, युवा याद आए हैं, पूरे इतिहास में कोई भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, 2019 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, युवा, बेरोजगारी कोई ध्यान नहीं था, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक याद था, आज भारतीय जनता पार्टी की जीत।
इस सरकार की जीत है जो कांग्रेस को। आप बोल रहे हैं ना जीत तो आप बोल रहे हैं, बात तो कह रहे हैं इस बार बदलाव होगा। बदलाव ऐसा होगा विपक्ष की समझ में नहीं आएगा, जब 4 तारीख को जीत आएगा छाती पीटेंगे, हाय हाय हमें तो पहले पता था ईवीएम हैक हो गई, हाय हाय हमें पता था लोकतंत्र की हत्या हो गई, हाय हाय जब ये देश की जनता उनको 400 सीटें देती है तो हम जीते। आज जनता जीत रही है, पेट में दर्द हो रहा है, आज जनता मत दे रही है तो घबराए हुए हैं। आप 400 की बात कर रहे हैं लेकिन 150 पे सिमट जाएंगे, ये मुंगेरी लाल के सिंह सपने विपक्ष के हैं, जो उन्होंने बोला है वो 4 तारीख को शाम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी पा पानी। ये जनता परचर बहुमत के साथ सरकार बना रही है, कमल निशान की सरकार आ रही है, और विपक्ष ने हमेशा इस देश को नीचा दिखाने का काम किया, जनता ने उनको भाग का रास्ता दिखाया। लोकतंत्र की भगवान जनता है और जनता ने मत के दोबारा 2014 में भाग का रास्ता दिखाया है, ये जनता है। और जनता आज जो खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरी दिल्ली का विकास रोकने वाला, आतंकवादियों से पैसे लेकर इस देश का टुकड़ा करने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो चुका है। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर मंच से संबोधित करते हैं जनता को तो महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, कांग्रेस नेहरू राहुल गांधी और पुराने 70 साल याद आ जाते हैं। मैडम ये सराहना चंडू खाना ये चोर इकट्ठे हो गए हैं। आप ये बताओ देश को आजाद हुए क्या नाम है 75 साल हो गए, 55 साल कांग्रेस ने शासन करा देश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 7 जन्म ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा जिसने धारा 370 खड्डे में डाल दी हुए, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कर दिया हो 550 साल पुराना, और कई ऐसे मसले वंदे भारत से लेके ऐसी ऐसी ट्रेनें चला दी, हाईवे बने, और हमारे लिए हमारी ट्रेड के लिए जो इन्होंने वेलफेयर बोर्ड की घोषणा करी है ट्रांसपोर्टरों के लिए, पहली बारी भारत का ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ करा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी पर की महंगाई, मैडम कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं महंगाई सब है ही नहीं, इसलिए बात महंगाई क्या है ना बताओ ना, देश का 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15 लाख आने की, मैडम 3.5 करोड़ मकान दिए गरीब आदमियों को, गैस के सिलेंडर दिए हैं, ये तो कबूतर चिल्लाएंगे, इनका नाम रख दिया हमने कबूतर, ये उड़ जाएंगे सारे कबूतर 400 बार। ये क्या है ये 15 लाख ढूंढ रहे हो आप, 15 करोड़ रुपए के आदमी को मिल चुके हैं आपको, आप देखिए आज इतने घर में, आज बहनों के लिए चूल्हा है, मकान, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, ये किसके लिए है, ये पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए तो है, आपके लिए तो है, तो आप 15 लाख उनके जुमले को करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आरोप आप लगा रहे हैं इसका सबूत क्या है? सबूत तो आने वाला है कि नई जजमान बाल कितने कट के सामने आ जाएंगे, अभी सब कट के सामने आने वाले हैं। वो ऐसी कहता था ना कि हम 1 पैसा नहीं खाएंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, हम VIP कल्चर नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, आज सब पता लगे शीश महल में कौन रह रहा है, आप रह रहे हैं हम रह रहे हैं, 45 करोड़ रुपए उसने मंगले में लगा दिए, 10 लाख रुपए के गद्दों में, आतंकवादी संगठन से वो तो सब NIA का काम है, NIA देगी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, अब सब पता लग जाएगा, सब आपके हमारे बीच में जनता मूर्ख नहीं है, सब समझ चुकी है। अब की बार केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि वोट नजदीक है, चुनाव चल रहे हैं, इसलिए नए नए आरोप निकल कर आ रहे हैं। आरोप तो निकल के आएंगे, जो चोर है उसके आरोप तो निकल के आएंगे, आरोप नहीं होते, हम सब लोग इकट्ठे के होते हैं यहाँ पे। मैडम एक बार बात बताता हूँ, जो केजरीवाल के ऊपर आरोप लगे ना, ये आतंकवादियों से फंड लिया है, इसने करोड़ों की डॉलर के हिसाब से, ये तो 6 महीने में जो आतंक खालसा वो क्या नाम है खालिस्तानियों का लीडर है उसने घोषणा कर दी थी केजरीवाल ने इतना पैसा लिया आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। अब ये जांच की एजेंसियां जांच कर रही हैं, इसमें तो कोई बुरा, ये तो हम तो शुरू से कह रहे थे मिला हुआ ये आतंकवादियों से। ऐसा महंगाई है ना, आप लोग कह रहे हो महंगाई, ये पहले फोन हमारे पास नहीं हुआ करते थे, आज ये फोन कोई 10,000 का लेता है, कोई 15,000 का लेता है, कोई 50,000 का लेता है, तो ये हमने शौक पाल लिए, शौक की वजह से आपको महंगाई दिख रही है, वैसे महंगाई नहीं है, रियल में महंगाई नहीं है। दूसरी बात ये जो बॉन्ड वाली बात है, बॉन्ड से कहा तो अब चिट्ठा आ गया भाई इतना इतना पैसा
कंपनियों से मिला, इससे पहले का कोई बता नहीं रहा कि किसको कितना पैसा मिला, वो बता दो। ये जो हम बोलेंगे मोदी ने चोरी करी है, भ्रष्टाचारी जो है ना कभी भी, आप उधर हो जाओ थोड़ा, भ्रष्टाचारी जो है ना कभी भी वो पुराना नहीं बताएंगे। क्यों? घोटाला था जो दो नंबर पर पैसा आता था जेब में रखते थे, अभी केजरीवाल की जो पोल खुल रही है वो दो नंबर का पैसा आ रहा है, दो नंबर का पैसा आ रहा है तो पकड़ा, अभी कल परसों पैसा पकड़ा गया। तो ये जो पैसा इलेक्शन में लगाते हैं या ये पैसा बाहर ले जाते हैं, ये पैसा जा नहीं पा रहा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो रही है। दिल्ली के आईटीओ में तमाम भाजपा के कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एक सुर में जो है वो भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही केजरीवाल पर आतंकी संगठनों से पैसे लेने का आरोप भी, एक बड़ा आरोप जो है वो केजरीवाल पर लगा रहे हैं और कहा है कि सबूत एनआईए के पास जो है वो होगा, अगर जांच की जाएगी तो सबूत भी आएंगे और आ गए हैं लगभग, ऐसा कहा जा रहा है भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये तभी साफ होंगे जब सबूत मिलेंगे, और सबूत कब मिलेंगे ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन आरोप भाजपा लगा रही है और प्रदर्शन आज इसी विषय को लेकर किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।